सो यस गाइस, जॉन सीना के 20th सेलिब्रेशन को हम सब ने देखा मंडे नाइट रॉ के अंदर, लेकिन कोई सुपरस्टार है जो उनका चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुका है और उन्हें भी चैलेंज कर चुका है, कौन है आखिर, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ब्रॉक लेसनर द बीस्ट को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है जो जानकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। और भी यस, मंडे नाइट रॉ के अंदर की व्यूवरशिप क्या रही, रोमन रेंस का रिएक्शन क्या रहा, वो सब कुछ आपको पता चलने वाला है। हेलो WWE फैंस, आप देख रहे हैं रेसलिंग हिंदी 24/7, तो वीडियो को हर बार की तरह एंड तक जरूर देखें। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिलता है। उनकी 20th एनिवर्सरी थी जिसका सेलिब्रेशन भी हमें देखने को मिला और इसकी वजह से जो व्यूवरशिप है वो रही है 1.95, जो कि लास्ट वीक 1.98 थी, अभी 1.95 मिलियन व्यूवरशिप है, जो कि ठीक है, स्लाइटली थोड़ा नीचे हुई है लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन जॉन सीना ने तो एज सच कुछ चैलेंज नहीं किया किसी को, नॉर्मली बातचीत करके वो निकल गए। लेकिन WWE ऑन फॉक्स ने जो है एक फोटो पोस्ट किया है जॉन सीना के साथ और लिखा है कि व्हाट इफ जॉन सीना वॉन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टाइटल एंड बिकेम ग्रैंड स्लैम चैंपियन। तो ऐसे में ऑलरेडी जो करंट चैंपियन है गुंथर, उनका रिएक्शन आया है और वो बोलते हैं रेडी, यानी कि वो एकदम तैयार है इस चैलेंज के लिए। और अगर इन फ्यूचर जॉन सीना गुंथर होता है तो गुंथर को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या आप इन दोनों का मैच देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बता सकते हैं। और यस, ब्रॉक लेसनर भी टीज हो चुके हैं, यानी कि स्मैकडाउन के दो एपिसोड में वो हमें देखने वाले हैं बिफोर समर स्लैम। या समर स्लैम 30th of July है, लेकिन 22nd of July एंड 29th of July स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाले हैं वन एंड ओनली द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। और ऑलरेडी ये टीज हो चुका है, अनाउंस हो चुका है। सो अभी आने वाले स्मैकडाउन के अंदर वो दिखाई देंगे या नहीं, आई रियली डोंट नो, बिकॉज मनी इन द बैंक है तो उसमें तो वो दिखने नहीं वाले हैं। लेकिन ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि समर स्लैम के अंदर वो उसके पहले जो 22 और 29 तारीख वाला जो एपिसोड है उसमें वो हमें नजर आने वाले हैं। सो ये एक छोटा सा वीडियो था बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।